स्वागत आहे आपलं आमच्या युट्यूब चॅनल फोर जी स्कूल मध्ये ऑनलाईन शिक्षणामध्ये कविता क्रमांक तीन आला पाऊस ऐका वाचा म्हणा छपरा खाली कुणी लाविले अगणित जोत जोत उजडे खाली कुनी लाविले अगनिवले दिवे झर कैसी ज्योत ज्योत उजडे टिपके टिपके थेंब जोडुनी रंगवली सजविती। रङ्गोळितया या धनुचे रंग कसे पसरती। मखमल हिरव्या दाट तृणां मधे नाजुक पाखरन नक्षीदार सजलेली टप 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 सङ्गीतन् दाही दाहि दिशातु छपरा वी तबलान् वाजविते कोण वर्षा ऋतूचा दिव्य सोहळा हिरव्या रांगातून धरणी करीते असा साजरा उत्सव ओ थेंबून छपरा खाली कुणी लाविले अगन तिवले दिवे पागोळ्यातून झर झर केसी जोत जोत उजडे। आपण आज अभ्यासणार आप आहोत इयत्ता सातवीचा मराठी विषय तर मुलांनो आपण आला पाऊस ही कविता अभ्यासणार आहोत जर याच्यापूर्वीचे तुम्ही पाठ जर अभ्यासले नसेल तर आमच्या प्लेलिस्टमध्ये जा सातवीच्या त्या ठिकाणी तुम्हाला पाठ उपलब्ध होईल आपको व्हिडिओ दिखाई देंगे उनसे पढ़िए और आपकी तालीम हासिल कीजिए और बने हमारे साथ इसी तरह से नवे नवे जो वीडियो हम बनाएंगे आपके लिए वो देखने के लिए और अपनी तालीम जारी रखने के लिए तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं आला पाउस इसके उत्तर उसका कविता गायन और कविता का स्पष्टीकरण और उसका खुलासा जिसे कहते हैं हमने एक ही वीडियो में लेने की कोशिश की है बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में आखिरी तक ताकि आपकी ये कविता पूरी मुकम्मल समझ में आए और उसके प्रश्नोत्तर भी आपको हल करने में आसानी हो तो आज हम देखने वाले हैं अला पाउस आइए कविता गौर चलते हैं आपने इस कविता को देखी गौर से आप अब ये पोयम हमको क्यों पढ़ना है ये कविता हमको क्यों सीखना है और क्यों जानना है हमें पहले देखेंगे अगर आप देख सकते हो तो बारिश जब गिरती है कभी आपने देखा है कि क्या क्या होता है इस निसर्ग में, में आपके एटमॉस्फेयर में आपके वातावरण में आप ऑब्ज़र्व कीजिए वही ऑब्ज़र्वेशन वही निरीक्षण तेही काळजीपूर्वक निरीक्षण करून एक एक गोष्टीचं बारकाईनं या कवितेमध्ये मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि याचे जे कवित्री आहेत सुनीला गोंधळेकर यांचा जन्म एकोणीसशे अडुसष्टमध्ये झालेला आहे आकाशवाणी वृत्तपत्रे विविध मासिके याच्यामध्ये त्यांनी आपले पूर्ण लेख प्रसिद्ध केलेले आहे धरणीला सजवणारा व फुलवणारा ऋतू म्हणजे वर्षा ऋतू पावसात पड़ना पावसाचे मनमोहक व वर्णन प्रस्तुत कवितेतन कवित्री ने के लिए है मतलब जो बारिश होती है बारिश होने के बाद क्या क्या बदलाव होते हैं वो अपने शब्दों में बयान करने की कोशिश कवित्री ने इस पोयम में की है इस कविता में करने की कोशिश की आइए अपने कविता इसके पहले गा के सुन ली है तो आइए इसका सरल अर्थ देखते हैं छपरा खाली कुनी लावले अनगिनत इवले दीवे अभी इसमें आप देख सकते हो छपरा मतलब छत जो होता है कुनी मतलब किसने लाविले मतलब लगाना अनगिनत मतलब बहुत सारे इवले मतलब छोटे और दीवे मतलब दिया ये सब चीज़ें यहाँ पे समझाई गई है मतलब इतने बड़े दिए जो हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पे छत दिखाई देंगे आपको छत से जो बारिश गिर रही है जो बूंदे दिखाई दे होंगी यहाँ पे आपको उन बूंदों में ऐसा लगता है कि बारिश गिरने के बाद जब बूंदें नीचे गिर रही हैं तो वो ऊपर उछलती है उछलने के बाद ऐसा लगता है जैसे जैसे दिया लगाया जाता है ऊपर आने के लिए उसी तरह से वो बारिश ऊपर आ रही है और इस तरह से दिया जैसा जल रहा है ऐसा वो कवि त्रिकु नज़र आया तो वो बोलती है कि छत से जब बारिश गिर रही है तो नीचे दिए कि नहीं लगाए इतने सारे पांगोड़ या तो झर कैसे जोत जोत उजड़े पांगोड़ मतलब जो छत होती है छत के जो नाले होते हैं आप देख सकते हैं खेड़े गांव में आप जाएंगे तो उतार के छत होते हैं उतार छत की वजह से जो बारिश गिरती है ना तो एक सिदान से आती है इधर उधर नहीं जाती है तो एक ही लाइन में आती है और जोर से बारिश एक ही ऐसा लगता है कि कोई ऊपर से पानी डाल रहा है तो ऐसा लगता है कि नहीं वो झर भया झरझर कैसे जोत जोत होता है मतलब एक लाइन जैसे दिखती है तो ऐसा लगता है कि जोत उजड़ी सर को एवड़े दिवे या ठिकाणी लावलेले आहे अशा है ते सांगण्याचा प्रयत्न करता है मतलब पहले जो दो लाइन में आपको समझाया गया है कि ये छोटे छोटे दिए किसने लगाया है और ऐसा लग रहा है जो बारिश का पानी एक साथ गिर रहा है एक ऐसा ज्योति नि निकल रही है कि वो सब तरफ उजाला दे रही है ठिपके ठिपके थेम्ब जोड़ोनी रंगवली सजी मतलब छोटी छोटी जो बारिश की बूंदे गिर रही हैं ऐसा लग रहा है कि अच्छे अच्छे जो रंगोली डालते हैं आप देख सकते हो रंगोली जब डाली जाती है ना तो किस तरह दिखाई देती है तो वो बारीक बारीक ठिपके जोड़ के पूरी एक रंगोली सजाई जाती है उस रंगोली को रंगोली या इंद्रधनुषे रंग कसे पसरवती अभी इसमें क्या बोला गया है कि वो छोटे छोटे ठिपके जो डाले जाते हैं अरे आपको आपको दिखाई देगा इंद्रधनुष आपको दिखाई दे रहा है वो इंद्रधनुष में रंग कहाँ से आते हैं आसमान में कौन डालता है ये कवित्री को क्वेश्चन पढ़ रहा है कि ये किस तरह होता है कि जब बारिश में से बूंदे गिरती हैं वो किस तरह है आपको रंग दिखाई देती है आते हैं ये कभी कहना चाहती है आप देख सकते हो जब बारिश जब गिरती है और धूप गिरने लगती है उसमें से जब प्रकाश जिसे कहते हैं रोशनी जिसमें जब ट्रांसफर होती है तो उसमें से रंग निकलना शुरू होता है ये वैज्ञानिक प्रयोग है उसकी वजह से वो रंग सात रंग दिखाई देते हैं आसमान में वो बहुत अच्छा आपको देखने को नजर अच्छा लगता है अभी आगे देखते हिरवा मकमल हिर मदद से पांगर ले ली तुरंत नाजुक पाकरन ले ली मतलब यहाँ पे बताया गया है कि मकमल जैसा है आप दिख सकते हो मकमल जैसे नरम होती है और एक समान होती है एक सरी की दिखती है वो वो उस तरह से पूरी जो जमीन है वो घास से सज गई है और आराम नरम आपको लगता है घास पे चलने में कितना नरम लगता है वो यहाँ पे बताई गई थी कहाँ से कितनी किन्हें ये ऐसी चादर पूरी ज़मीन पे फैला दिया है कितना नरम लग रहा है बारिश गिरने के बाद ये बदलाव ज़मीन में होता है ये यहाँ पर समझाया गया है ये पांगर ले ली मतलब बिछाना ये मदेज मतलब बिच में किसने बिछा दिया बारिश गिरने के बाद बारिश गिरने के बाद जो घास आती है वो कवित्री को लगता है कि कितनी अच्छी मकमल चादर वो लग रही है कि उस पर हमेशा फिरते रहिए आप बच्चों को भी बड़ा मजा आता है घास पे खेलने को यही यहाँ पे समझा गया कहता है सड़ा जो होता है वो होता है मतलब जो आप देख सकते हो फैला देना जो फूलों को कहते हो मराठी में मतलब सड़ा टाकने ऐसे मनता जब फेंक देखते हो पानी को जैसा फेंके जाता है वो सब तरफ फैल जाता है उसको सड़ा डालना कहते हैं तो मराठी में पकरण शब्द आता है नाजुक मतलब एकदम जो हाथ लगाए भी खराब हो सकता है इतना ही नाजुक है तुरंत पुष्पांशी मतलब ऐसा गवत पे जो घास पे जो बारीक बारीक फूल आते हैं वैसे नक्शेदार सज ले ली ये चादर किसने बिछाया है ऐसा कवित्री को पे लगता है आगे देखते हैं ये संगीत धुन जो किसने फैलाया है मतलब सब सब तरफ से बारिश जो गिरने के बाद आवाज आती है आप देख सकते हो छत पे जब बारिश गिरती है तो कैसा आवाज आता है आप देख सकते हो घर में जब रहेंगे जब पत्थर के घर किसी होंगे या छत होंगे जब बारिश आती है तो आवाज आपको आना शुरू होता है टप 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 जैसा ढोल बज रहा है छपरावर्ती तबला होनी वाजवत कौन मतलब छत के ऊपर ये तबला बन के कौन बजा रहा है कौन आवाज कर रहा है छत के ऊपर ऐसा कवित्री को प्रश्न पड़ता है वो अपने शब्दों में मानने की कोशिश करती है जब बारिश गिरती है तो आवाजें जो हो रही है कौन आवाजें कर रहा है ये सब आवाज कितना अच्छा लग रहा है सुनने के लिए ये यहाँ पे हमको समझाया गया है वर्षा ऋतु सा दिव्य सोहोड़ा हिरंगातुन मतलब ये जो बारिश हो रही वर्षा मतलब पानी पाऊस जो होता है वो ऋतु मतलब एक आ, काल होता है जैसा तीन ऋतु होते उन्हाळा हिवाळा आणि पावसाळा हे तीनही ऋतूचं वर्णन या ठिकाणी वर्षा ऋतूचा वर्णन आलेला आहे है कि बारिश के दिनों में ये कौन दिव्य सोळा मतलब एक उत्साह जो होता है सन जिसे कहते हैं सोहळा मतलब सन उत्साह जो आप ये कौन मना रहा है जो हरे रंग में पूरा फैल चुका है पूरे सृष्टि में और इसको कौन सजा रहा है ये बारिश सजा रही है यहाँ पे कवि को, को कहना है कवि को कहना है धरनी करिते असा साजरा उत्सव ओथुम्बन और उसके साथ में जमीन जो है उसके जो धरनी जिसे कहते हैं जमीन उसके साथ में मदद कर रही है ये उत्सव साजरा करने के लिए ये यहाँ पे समझाया गया बड़ा आसान लफ्जों में ये कविता समझाई गई है कि बारिश आने के बाद क्या क्या बदलाव होते हैं वो बदलाव को आपको समझाया गया है पुनः मैं एकदा समझून संगतो जर पाउस पड़ता गोष्टी होता जर पाउस पड़ियानतर छतरावर पानी पड़ते छत परी कस खाली उथुंबुन वहाते ये कवि ने संगित रहे और नर ये पागल कि पानी गिरने के बाद ऐसा लगता है कि दिए बारीक से जल रहे हैं और वो सब तरफ आपको नज़र आ रहे हैं और छोटे छोटे चीज़ों में छोटे छोटे दिए ऐसे लगाए सब तरफ कवि की तरीको लगता है हरी चादर फैल चुकी है उसके साथ में नाजुक गव जो बारीक बारीक तरुण होते हैं जिसके जो फूल दिखाई देते हैं वो भी समझ में आ रहे हैं और आवाज़ सब तरफ आ रही है छत की आवाज़ आ रही है जमीन की आवाज़ आ रही है और रंगोली निकाली गई है ऐसा नक्शीदार काम यहाँ पे समझाया गया है तो ये कविता आपको समझ में आ गई होंगी तो कमेंट में हमको बिल्कुल बताना आइए आगे चलते प्रश्नोत्तर की ओर आपको आगे समझ में आएगा ये शब्दार्थ आपको दिए हैं आपके किताब में आप पढ़ सकते हो ये प्रश्न उत्तर हमने आपको छुड़ा के बताया आई, आई चल देखते हैं क्वेश्चन आंसर छुड़ाने की कोशिश करते हैं खालील प्रश्नांची एक दोन शब्दार्थ उत्तरे लिहा पहला प्रश्न है अ अनगिनत दीवे कोटे लागले आहे अनगिनत दीवे छपरा खाली लागले मतलब छत के नीचे लगे हैं जो शायर से बारिश गिर रही तरफ से रंगौली कशी सजली आहे थेंबांचे थिपके जोडून रंगोली सजली आहे उसका आन्सर आहे धरणीने कशाची मखमल पांगलेली आहे धरणीने किसकी चादर बिछाई आहे धरणी हिरव्या दाट अतुनांची मतलब हरी घास की चादर बिछाई हुई है धरणी कोणता सोहळा साजरा करत आहे धरणी वर्षा ऋतूचा सोहळा साजरा करत आहे मतलब बारिश की जो दिनो में बदलाव होते है वो सोहळा व साजरा कर रही आहे आई क्वेश्चन नंबर दोन पाहू प्रश्न नंबर दोन खाली शब्द साथ कवितेत पर्यायी शब्द आले है तेलिहा पावसाचे थेम मतलब इसके जो वर्ड्स आए इसके लिए था शब्द कवि ने कवित्री ने वापरा है या, या यूज किया है वापर ले लिया है तेजात सांगा जो कविता में है पावसाचे थेम के लिए क्या कहा गया है इवले दिवे यानी है ना छोटे छोटे दीये यहाँ पे कहा गया है उसके बाद में आ है हिरवे दाट गवत मतलब मखमल ये शब्द उसके लिए वापरा है यहाँ पे वापर लेला है रंगोली मतलब रंगोली जो कहते हैं नक्श नक्शीदार काम उसके ठिपके ठिपके थेम ये शब्द वहाँ वापर यूज़ करे है वापर ले लिया है थेबानसा टप टप आवाज संगीत धुन मतलब जो बारिश की आवाज़ होती है उसके लिए संगीत धुन ये शब्द वापर लेला है यूज़ करे वाला है आइए आगे, आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक तीन खाल अर्थाच ओळी कवितेतून शोधून लिहा अभी इसका जो अर्थ है वो हमने डायरेक्ट आपको यहाँ पे छुड़ा के बताया मतलब क्या अर्थ है ये आपको लिख के दिया गया उसका कौन ती लाइन्स पोयम में आई है वो आपको लिखना है पावसाचे एक सार के पढ़नारे थेम रंगोली सार के दिशता है त्या इंद्रधनुष्य रंग ले ले इसके लिए जो दो लाइन आई है ठिप के ठिपके थेब जोड़ो ने रंगवली सजाती तो या इंद्र रंग कसे पसरती ये दो लाइन आपको यहाँ पे लिखना है आइए आइएंगे छपरा वाउस थे आवाज मजे संगीता ची धुन जनू का ही पाउस छपरा वबला वाजवता है ये ऐसा जो लाइन है जो इसका अर्थ है इसकी जो लाइन दो आई है कविता में वो देखिए टप टप संगीत ही दिशा, छपरावती तबला होन वाजविते कोन ये दो लाइन का अर्थ यहाँ पे दिया गया था आपको समझ में आया होगा तबला कौन बजा रहा है ऐसा यहाँ पे कहा गया है ऋतु की वैशिष्ट सागनारा तख्ता पूर्ण करा ऋतु की महत्व ऋतु में क्या क्या होता है मतलब तीन जो ऋतु है मराठी में कहा जाता है उनाला पावशाला हिवाड़ा मतलब धुपकाला बारिश का और ठंड जो होता है वो यहाँ पे बताएगा क्या क्या चेंज होते हैं देखिए क्या क्या बदलाव या ऋतु होता है तीन वैशिष्ट उनकी खूबियाँ यहाँ पे बताई गई है वो देखिए पाने है ना गांधी पाने गात जमीनीला भेगा पड़ता नदी नाले अड़तात मतलब बारिश जब धुपकाला होता है जब सही कड़ा उन्हा वसतो या ऋतु झाड़ी पानी गड़ून देता है और सिर्फ आपको काढ़ी नजर आती झाड़ों के ऊपर और जमीन को भेगा पड़ता तो मतलब जमीन फट जाती है उसमें दरारे दिखाई देती है नदी नाले अटता तो मतलब नदी नाले सूख जाते हैं और उसमें पानी कम दिखाई देता है आइए बरसात में क्या चेंज होते हैं काय बदलाव होता ते अपन पाऊ पाउस पड़ तो सृष्टि हिरवेगार होते बारिश गिरती है और जमीन पूरी हरी गार होती है नदी नाले भर भर वाहता नदी नालों में पानी होता है नदी बहना शुरू हो जाती है आइए हिवाड़ा मतलब ठंडी में क्या होता है हिवाड़ा ऋतु जिसे कहते हैं हवेद गारवास तो शेतात पीके डोलता शेकोटी पेटवली जाते और सब तरफ स्वेटर पहन के भी आप फिरते हो और गर्म कपड़े पहनने की आपको चाहत होती है इन दिनों में ये बदलाव होते हैं और सब तरफ झाड़ जो होते हैं फूल पौधे जो भी अपने फूल और पेड़ ज्यादा हरे भरे हो जाते हैं इन दोनों में ये यहाँ पे बताया गया है आइए आगे चलते चर्चा करो शब्दांशी खेड़ो या पाउस पड़ून गिला और सृष्टित कौनते कोनते बदलाव होता निरीक्षण करा घटा चर्चा करा अब बारिश गिरने के बाद क्या क्या चेंज इस अपने वातावरण में होते हैं ये कविता में आपको समझाया गया है आपके वर्ड्स में आपने लिखिए उसको देखिए अभी बारिश का दिन चालू है आप देख सकते हो आपको बहुत मजा आएगा सुनने में और और इस कविता के बारे में जानने में आइए आगे देखते हैं खालिल नामाना आलेले विशेषण शोधू लिया अभी विशेषण मतलब उसके शब्द के बारे में ज्यादा जानकारी देने वाले वर्ड जिसे कहते हैं दिवे किस तरह से है छोटे छोटे और अनगिनत है ये ज्यादा आपको डिस्क्राइब करके बता रहा है उसको विशेषण कहता है मतलब आपको विशेषण के बारे में हमें आप समझाएंगे किस तरह हो विशेषण होते हैं उसका अलग से एक वीडियो बनाएंगे आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है कि वर्ड्स यहाँ पे कौन ते है दिवे किस तरह के छोटे छोटे है और बहुत सारे हैं मतलब इवले है और अनगिनत है तुरुन मतलब किसे कहा गया है घास को कहा गया है तुरुन किस तरह का होता है हिरव्या यानी दाट हरा होता है और बहुत सारे तादाद में होता है उससे दाट उसे कहा गया है पखरन किस तरह से होती है मतलब नाजुक होती है ये यह यहाँ पे समझाया गया है सोहरा मतलब उत्साह जो सन जो साजरा कर किस तरह का है दिव्य मतलब बहुत बड़ा सोड़ा यहाँ पे साजरा किया जा रहा है बहुत बड़े पैमाने पे आइए खाली शब्दांश आसना कविता शब्द लिया मतलब आखिरी में जो वर्ड है वो सरी का आने वाला है सजवीती ती ती जो वर्ड आता है वस रि यहाँ पे आया है कविता में आप देख सकते हैं लाइन नंबर दो तीन जो है ठिपके ठिपके उसमें आया है ये आखिरी में देख सकते हैं सजवेती यानी पसरती पांगर ले ली सज ले ली। पे समझ में पांगर ले ली सज ले ली ये जो वर्ड है उसके नीचे मकमल जो कविता में आया है उस लाइन में आपको दिखाई देगा रंगातुन ओथम्बुन ये आपको यहाँ पे समझाया गया है आखिरी की जो जो लाइन है कविता की उसमें ये दो वर्ड आखिरी में दिखाई देंगे तुन वोथम्बुन ये न न जो वर्ड आया है यहाँ पे आपको ये सरीके है इसलिए ये हमने लिखे और आपको क्या करना है अंतर्जाल मतलब इंटरनेट को कहा जाता है साया ने विविध कवि कवित्री यांची पाउस या विषय वरिल गीते मिल संग्रह करा आपको पानी के बारे में जो जो कविता है उनका संग्रह करना है आप पेपर में से भी ले सकते हैं और अपने टीचर को भेजना है तो इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आपकी तालीम जारी रहो और आपको हर चीज़ समझ में आए